केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिसे मुक्ति की फसल भी कहा जाता है। यहाँ अप्रैल से नवंबर तक भगवान शिव की पूजा होती है। इसके बाद देवताओं को उखी मठ लाया जाता है, जहाँ 6 महीने तक भगवान की पूजा होती है। 2013 में आई बाढ़ के कारण यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया, परंतु इस मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। इस मंदिर का निर्माण कब और किसने किया, यह अभी तक ज्ञात नहीं है। माना जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने किया था। केदारनाथ मंदिर तक सड़क नहीं जाती, इस कारण 22 किलोमीटर तक की दूरी पैदल ही तय करनी होती है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिसे मुक्ति की फसल भी कहा जाता है। यहाँ अप्रैल से नवंबर तक भगवान शिव की पूजा होती है। इसके बाद देवताओं को उखी मठ लाया जाता है, जहाँ 6 महीने तक भगवान की पूजा होती है। 2013 में आई बाढ़ के कारण यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया, परंतु इस मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। इस मंदिर का निर्माण कब और किसने किया, यह अभी तक ज्ञात नहीं है। माना जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने किया था। केदारनाथ मंदिर तक सड़क नहीं जाती, इस कारण 22 किलोमीटर तक की दूरी पैदल ही तय करनी होती है।